अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मुर्गियाँ कह रही हैं कि बाहर छोड़ दो। एक मुर्गा ना रात बंद करना जेन में नहीं रहा। मैंने कहा चलो रात में बंद कर देंगे, शाम में जब बंद किया था ना तो ये बाहर ही रह गया था। तो अब देखा बाहर ही घूम रहा है तो जेन में नहीं रहा, तो दूसरी मुर्गियों को छोड़ देते हैं। ये देखिए इंतज़ार कर रही हैं और ये बाहर ही है। ये ना कनक की सफाई की है, गंदम की। उसके पीछे से ना कनक में काफ़ी गंद वगैरह था, तो ये तूड़ी वगैरह तो इसमें दाने वगैरह होंगे। तो ये भी इनको डाल देते हैं मुर्गियों और छोड़ देते हैं। ये देखिए जी खाने लग गई हैं मुर्गियाँ। ठीक है, ये सील मुर्गी का बच्चा है ये वाला। ये अभी पट्ठा तैयार हो रहा है तो वो मुर्गी अंदर से रह गई है सील। अंडे वगैरह देख लेते हैं। कल भी ऐसा हुआ कि अंडे मुर्गियों ने दिए थे तो पीछे से तो कुत्ता वगैरह बाहर से आया, उसने खा लिए अंडे। तो देखते हैं अभी, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं दिए, इधर भी नहीं दिए, कोई अंडा नहीं दिया अभी तक। तो ये मुर्गियां फ्री रेंज में तैयार की हुई हैं। ये देखें छोटा सा शेड बनाया हुआ, इसमें पहले तो ज़्यादा थी, 100 के करीब थी, 100-125 इजीली इसमें रह सकती हैं, तो अब कम हो गई हैं। अब घर के लिए सिर्फ रखी हुई हैं। पहले को दोस्त वगैरह अंडे वगैरह भी ले जाते थे, तो अब लेके आनी है मुर्गियाँ थोड़ी सी और 20-25 ले आएंगी, यानी 30-35-100 मुर्गियाँ, उनमें से ये 20-25 अंडे रोज़ाना के आते रहेंगे। तो अभी ये 7-8 अंडे भी आ रहे हैं इनके मुर्गियों के। ये 11 मुर्गियाँ हैं वैसे तो, 9 मुर्गियाँ और 2 मुर्गे, माशाल्लाह अंडे दे रही हैं वैसे रूटीन के साथ। अंडों की तादाद इनकी काफ़ी ज़्यादा है देने की, नागा कम ही करती हैं फ़िलहाल। तो अभी इन्हें कोई फीड वगैरह नहीं डालता कोई, सिर्फ ये भी बची रोटियां वगैरह डाल देते हैं ये, इसके अलावा कोई और कोई चीज़ नहीं डालते। ये बाहर से इधर हवेली में घूमती रहती हैं, यहाँ से कीड़े मकोड़े घास वगैरह खा लेती है, और जो बची हुई सब्जियां वगैरह होती हैं वो डाल देते हैं इनको, और कोई फीड वगैरह नहीं डालते। ख़र्चा इनका ना होने के बराबर है। तो आप भी अपने घर में छोटा सा शेड बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए घर में, और अंडे इस्तेमाल करते हैं जो दोस्त घर में नाश्ते में, तो वो आपके घर के हो सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी जगह हो। जैसे ये मैंने शेड बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखें शेड बनाया हुआ, और मेरे पास तो जगह है इस वजह से बाहर जगह घूमने के लिए इनके हो। ये देखें जी अब ये मुर्गियाँ चले गई हैं, कीड़े मकोड़े खा रही हैं, यहाँ पर भैंसें वगैरह बंधी होती हैं ना, इस वजह से बाहर घूम रही हैं।